हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइक स्मार्ट इन नसीम में। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक जियो के रिटेलर हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी MNP और या सिम एक्टिवेशन अगर आप करते हैं तो उसका स्टेटस किस तरीके से चेक किया जाता है, यानी कि अगर आपने कोई MNP की तो उसका स्टेटस, यानी कि वो कहाँ तक उसकी प्रोसेसिंग पहुँच गई है, वो रिजेक्ट तो नहीं हो गया डॉक्यूमेंट, या कितने दिन बाद उसका सिम पोर्ट होगा, या एक्टिवेशन में कितनी देरी लग रही है, क्या वजह है। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से किसी भी MNP या सिम एक्टिवेशन का स्टेटस एक रिटेलर किस तरीके से चेक कर सकता है। अगर आप एक रिटेलर हैं तो मैं जियो पॉस प्लस के माध्यम से भी बताऊँगा, अगर आप एक कस्टमर हैं तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि कस्टमर किस तरीके से एक अपनी MNP का स्टेटस चेक करेगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप जियो पॉस प्लस को लॉगिन करेंगे, ऊपर की साइड में 3-डॉट लाइन कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नीचे की साइड में स्क्रोल करेंगे, जियो ऑर्डर स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं, एक होता है मोबाइल नंबर डालने का और एक होता है ORN नंबर डालने का। तो सबसे ऊपर वाला चूज़ करूँगा मैं। ORN नंबर आपके जो एक्टिवेशन करते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। इसके बाद ORN नंबर डाल के सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि हमारा अप्रूवल जो है वो तो एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन एक्टिवेशन में जो लिखा हुआ नीचे आ रहा है वो आ रहा है नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो है। ऊपर आपकी अन्य डिटेल भी दिखाई देंगी, आपका कस्टमर ID, आपका नाम और आपके ORN नंबर वगैरह। तो अब मैं वेट करता हूँ, यानी कि मैंने अब कस्टमर का टैली वेरीफिकेशन करा दिया। तो टैली वेरीफिकेशन कराने के बाद अब मैं दोबारा से स्टेटस चेक करता हूँ। तो अभी ये देखिए, मैं दोबारा से ORN नंबर डालूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अभी ये टैली वेरीफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके बाद मैं एक मिनट वेट करता हूँ। अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ। जैसे मैंने दोबारा डाला, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक किया, नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं टैली वेरीफिकेशन के सामने सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है और एक्टिवेटेड के सामने यस लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अब कस्टमर का सिम एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि MNP उसकी सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी कस्टमर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहें तो आप नीचे का ऑप्शन चूज़ करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके कस्टमर की डिटेल मोबाइल नंबर से भी देखी जा सकती है, जैसे कि मैंने वही ORN नंबर अब मोबाइल के थ्रू खोला है, तो मोबाइल के थ्रू खोलने के बाद भी टैली वेरीफिकेशन सक्सेस दिखा रहा है और नीचे सिम एक्टिवेशन में यस दिखा रहा है, यानी कि कस्टमर का सिम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो इसी तरीके से किसी भी कस्टमर का सिम एक्टिवेशन आप आसानी से चेक कर सकते हैं, उसकी MNP प्रोसेस, उसका सिम रिजेक्ट तो नहीं हुआ। जहां पर सक्सेस लिखा हुआ रहा है यहीं पर रिजेक्ट का ऑप्शन आता है कि कैफ रिजेक्टेड, अगर आपका डॉक्यूमेंट या आपका किसी भी कारण आपका सिम रिजेक्ट हो गया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कस्टमर का प्रोसेस चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप MyJio ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, इसे ओपन करेंगे, ऊपर आपको सर्च बार का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आप टाइप करेंगे ट्रैक माई ऑर्डर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप ट्रैक माई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इनका होम पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है कि आप अपना कैप नंबर, जियो मोबाइल नंबर या अपना ORN नंबर एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर या कैफ नंबर सही से डालने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नीचे कि योर आपका स्टेटस आपको दिखाया जा रहा है कि योर मोबाइल नंबर इज नाउ एक्टिवेट। अगर आपका नंबर एक्टिवेट नहीं होगा या प्रोसेसिंग में होगा तो वो यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखाएगा, या जो भी कंडीशन आपके सिम की होगी वही कंडीशन यहाँ पर आपके ट्रैक माई ऑर्डर के स्टेटस में दिखाई देगा, यानी कि अगर आपका कैश रिजेक्ट हो गया है, सिम रिजेक्ट हो गया है किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, तो वो यहाँ पर शो होगा। अगर आपका नंबर एक्टिवेट हो गया है तो जैसा कि दिखा रहा है योर जियो मोबाइल नंबर इज़ एक्टिवेट, प्लीज़ इंसर्ट द सिम इन जियो स्लॉट नंबर 1। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहा है, तो आप अपना स्टेटस यहां से भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।